I'm up through the night. I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind. Hey guys, good morning everybody. I am Sheikh Mehra Hussain. Welcome to my vlog. एंड आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं सालेपुर। बेसिकली सालेपुर जो है कटक डिस्ट्रिक्ट में आता है और वहाँ पे आज मेरा जो मोटो ऑफ व्लॉगिंग है, बेसिकली मोटिव ये है कि वहाँ पे कुछ हमारा, अगर आप लोग ओडिशा से हो, यू बिलोंग फ्रॉम ओडिशा, तो आप लोग को पता होगा, बॉलिंग थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, हाँ आप लोग को पता होगा मधु वारिस्टर दैट लॉयर, तो उनका वहाँ पे घर हुआ करता था। अभी उसको एक चाइल्डहुड आश्रम में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया है और जो ऑर्फैन है उनके लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है और उनके घर को, उनका जो प्रॉपर्टीज़ था, उनका पोजीशंस को और पब्लिक के सेवा के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से एक इनिशिएटिव लेके। तो उसको आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर इन द सेंस वहाँ पे क्या, व्हाट हैज़ हैपेंड टू दैट देन, और कैसे कैसे वहाँ पे सब इनिशिएटिव्स लिया गया और बच्चे लोग कैसे हैं वहाँ पे, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, और वहाँ का सारा डिटेल्स निकालेंगे। चलिए अब, थैंक यू। का शूटिंग लोकेशन है गोपबंधु दास का घर का, एक्सप्लोर किया जा रहा है, बैकग्राउंड में देख लीजिए। और ट्रैवल गाइड है आदिल, यहाँ पे उनका स्टैच्यू भी है। अगर आप लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, और उड़िया टेक्स्ट बुक्स में या फिर उड़ीसा के बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे ऑथर इन लोग के, इनके बारे में भी लिखे हैं। इन्होंने जो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है उसके बारे में भी सबको पता होगा, और ये कैसे स्कूल जाते थे, एवरी ईच एंड एवरी थिंग हम लोग ने पढ़ा हुआ है बचपन से अब तक, हम जानते भी हैं। एक पॉपुलर फेस हैं उड़ीसा के, जो कि ये क्या है, गोपीनाथपुर, ये गोपीनाथपुर में इनका घर है और पास में इनका आश्रम भी है। तो बेसिकली ये है इनका घर जहाँ पे वो रहा करते थे। अभी कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है और ये है उनका घर जहाँ पे वो रहते थे। और हम लोग, अगर मैंने तो अपने ओडिया टेक्स्ट बुक में पढ़ा था इनके बारे में, गोपबंधु दास के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, और ये लॉयर भी हुआ करते थे एक टाइम में, जिसको वजह से इनको मधु बारिस्टर बोलते हैं। और हम आज का ट्रैवल गाइड है हमारा आसिफ। अच्छा ये बैक साइड है। अच्छा ये बैक गेट, बाथरूम भी बताना जरूरी है। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. ये इसका एंट्रेंस और ये मेरा आज का राइड। ये आके मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ के आश्रम पे, जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, सत्य ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट कटक। यहाँ पे अरफान बच्चों को, जो अनाथ हैं उन लोग को एजुकेशन दिया जाता है। फिलहाल तो बंद है, बैकग्राउंड में देखिए आप, ये फिलहाल बंद है। ये COVID-19 की वजह से है या फिर एनी अदर केस की वजह से हो सकता है, कुछ भी रीज़न है, फिलहाल बंद है। अंदर भी और बहुत कुछ है। चलिए कहाँ पे रहते थे? हाँ बच्चे जो, हाँ हाँ, और फन ऑफन बच्चे सब यहाँ रहते थे और यहाँ पे भी रहते थे। वार्डन, हाँ इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया है, ग्रीनरी को मेंटेन किया गया। अच्छा, दैट लुक्स वेरी गुड।
पे देखिए पुरानी बिल्डिंग्स भी है यहाँ पे, ये है यहाँ पे और एक बिल्डिंग है कौन, ये देख लीजिए आप, फिलहाल यहाँ कोई दिख नहीं रहे, दिखते तो उनसे पूछ के कुछ जानकारी हासिल कर लेते, फिलहाल तो कोई है नहीं है। ये सब देख लीजिए, ये देखिए क्या लिखा है, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, यहाँ पे सब जातीय गौरव मधुसूदन दास का जीवन पंजी का। मैं तो ओडिया में वीक हूँ, थोड़ा एट तक ओडिया पढ़ाया मैंने। हाँ इसका बैग ये देखिए, हमारा आज का ब्लॉग, ये ब्लॉग एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, ये बस एक इन्फॉर्मेशन देना था जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और मैं भी तो उड़िया हूँ एक, मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था मैंने टेक्स्ट बुक्स में, बहुत सारा इनका हिस्टोरिकल बहुत सारा है, और ये एक जर्नल भी थे अच्छे, और लॉयर भी रहा करते, बहुत जाने माने लॉयर, और इनका स्ट्रगल ऑफ लाइफ भी बहुत पॉपुलर है, स्कूल को जिस तरीके से जाते थे, इनका तो स्कूल वही मासूमपुर हाई स्कूल होगा, स्कूल को जिस तरह से जाते थे, और इन्होंने रोड्स भी बनाया हुआ था अपने बचपन में, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके बहुत आगे गए थे। तो आज का व्लॉग एक बस ऐसा इंफॉर्मेटिव व्लॉग के जैसा है, बाकी मैं ये व्लॉग मैंने प्रीवियस वीकेंड को प्लान किया था, बट ड्यू टू हैवी रेन मेरा बहुत सारा व्लॉग का ट्रिप्स का प्लान पोस्टपोन हो जा रहे हैं। इसके बाद और भी बहुत सारा आने वाला है ब्लॉग, देखिए जैसे कि अभी भी रेन हो रहा है तो मेरे को शूट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और कैमरा है तो कैमरे को रेन में बाहर निकलना थोड़ा डर भी लगता है। एनीवेज यहाँ पे क्विट करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट ब्लॉग तक, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।